डेंगू मलेरिया रोकथाम के मद्देनजर आसनसोल नगर निगम की ओर से स्वास्थ्य विभाग के एमएमआईसी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया। मंगलवार को कमेटी के सदस्यों ने आसनसोल के कन्यापुर औद्योगिक क्षेत्र एवं यहां के फैक्ट्री का मुआयना करने पहुंचे। जांच के दौरान यहां प्रचुर मात्रा में डेंगू और मलेरिया का लार्वा पाया गया। कमेटी के सदस्यों ने फैक्ट्री मालिक और यहां के लोगों को साफ सफाई को लेकर चेतावनी दी। इस बारे में खुर्शीद आलम ने क्या कहा, आइए जानते हैं। देखिए, हमने कंटिन्यूअसली जो है हर एक को इन्फॉर्म किया है, या हमने आईसी एक्टिविटीज़ भी बहुत की हैं कि जो डेंगू प्रिवेंशन है ये मैक्सिमम इसका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए प्रिवेंटिव मैनेजमेंट में। एक बार डेंगू हो गया फिर तो वो क्यूरेटिव मैनेजमेंट में चला जाता है, देन हॉस्पिटल्स में जो बर्डन है वो काफ़ी बढ़ जाता है, तो हम प्रिवेंशन पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हमने काफ़ी जगह सर्वे भी किया है, तो यहाँ से हमें कंटिन्यूसली कुछ जगह से इन्फॉर्मेशन मिल रहा था कि कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो क्लियर कट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि उनका जो पानी है, पानी बिल्कुल जमा रहता था। तो आज हमारी टीम गई थी वहाँ पर, हमारे जो MMIC हैं उनके नेतृत्व में टीम चली गई, तो उन्होंने वहाँ पर कई सारे ऐसे ऑब्जर्वेशंस दिए हैं कि वहाँ पर बहुत सारी जगह वाटर स्टेग्नेंट था, तो पानी जम गया था, तो वहाँ पर काफ़ी सारे लार्वे भी पाए गए हैं। तो हमने हेल्थ ऑफिसर को डायरेक्शन दिया है कि जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको नोटिस जाएगा और उनको एक समय दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा कि विद इन 7 डेज जितना भी एरिया है वो क्लियर कराए, अदरवाइज लीगल एक्शन जो है उनके खिलाफ हो जाएगा। आज के इंडस्ट्रियल सैटेलाइट जो आछे इंडस्ट्रियल प्लॉट सेखाने आमादेर हेल्थ डिपार्टमेंट, सैनिटेशन डिपार्टमेंट एवं अन्यान्य जारा आधिकारिक निये आमादेर ओखाने इन्वेस्टिगेशन हलो। मेनलि आमरा देखते गिएछिलाम जे डेंगू जाते ना छड़ाय, जल जमे कोथाओ आछे किना बा कारखानागुलो ठीक बोले सब नियम कानून पालन करछे किना। तो आमरा जेटा देखलाम 5-6 जायगाय भिजिट करार पर 4-5 देखलाम तारा नियम अनेकेई मानेननि। ডেঙ্গু ছড়ানোর যে মেন যেটা আমরা দেখি জল জমে থাকা, একদম স্তব্ধ যে জল, সেখানে কিন্তু অনেকগুলোই এরকম আমরা পেয়েছি যেখানে ডেঙ্গুর লার্ভা পর্যন্ত পাওয়া গেছে। একটা কারখানায় তো আমরা দেখলাম যে ভেতরেই ওরা প্লাস্টিক পোড়ানো করছে কোনো নিয়মকানুন না মেনে, তাদের সব সাবধান করা হলো এবং এইটাই তাদেরকে জাগরণ করা যাতে ডেঙ্গু লার্ভা থেকে মশা না বাড়তে পারে, সেই জন্য প্রিকশন যেমন কর্পোরেশন থেকে নিচ্ছে তাদেরও তো কিছু দায়িত্ব রয়েছে।